स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, इसके बिना जीवन जीना असंभव है। स्वस्थ रहने के लिए अगर आप बहुत ही सिंपल तरीका जानना चाहते हैं जो 100% काम करता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे बीमारियों से निजात पाने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका बताने जा रही हूँ। किसी महान शख्सियत ने खूब कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य एक दिन ज़रूर बदल देंगी। ये शब्द हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हैं। आज हम उनके इन्हीं शब्दों की बात करेंगे कि क्या हम अपनी आदतों को बदलकर अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव ला सकते हैं। आज हम जिस बदलाव की यहाँ बात कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा बदलाव है, परंतु है बहुत अच्छा, जो आपकी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की शक्ति रखता है। आज हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ एक ग्लास पानी की, कि पानी को किस तरह से पिया जाए जिससे आपकी हर बीमारी आपसे हमेशा के लिए दूर रहे। दोस्तों, पानी पंच तत्वों में एक ऐसा तत्व है जो जीवनदायक है। वैसे तो पांचों तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और भूमि तत्व, सभी जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं, परंतु जल तत्व एक ऐसा तत्व है जिसकी मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है। हमारे शरीर का 71% हिस्सा पानी है, इसलिए बाकी 4 तत्व 29% ही रह जाते हैं। इसलिए पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो माना गया है। इसलिए पानी में ऐसी शक्ति है कि वो हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है, इसलिए डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। दूसरी जो बात है पानी में, कि उसमें एब्जॉर्व करने की पावर होती है। इसमें कुछ भी चीज़ मिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाती है, वो कोई भी आकार ले सकता है। पानी जो है वो गतिशील होता है, और वही हमारे जीवन का सत्य भी है, गतिशील रहना। रुकना जीवन का नाम नहीं है, हमेशा चलते रहना ही जीवन है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पानी को हम किस तरह से पिए जिससे हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। तो आपने पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल इसमें करना है। इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही सिंपल है, पर मैं यहाँ दावा कर सकती हूँ कि अगर आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त कभी नहीं होंगे। चलिए आगे प्रयोग विधि जान लेते हैं कि इसको आपको करना कैसे है। जब भी आप पानी पिए, एक बार, दो बार, तीन बार, आपने ग्लास को अपने हाथ में लेना है और उसे लेकर बैठ जाएं। अपने मन को शांत करें। शांत करने का मतलब यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि 5 मिनट ग्लास को लेकर बैठे रहें। ये पूरा प्रोसेस जो मैं यहाँ बता रही हूँ, सिर्फ समय देखकर इसमें 1 मिनट लगता है, और अगर आप दिन में 5 ग्लास पानी पीते हैं तो पूरे दिन में 5 मिनट आपको इस प्रोसेस में लग सकते हैं। पानी को जब आप लेकर बैठे हैं तो आपने 21 बार ये बोलना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये जो आपके हाथ में पानी है ये आपके अंदर जाकर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। इस पानी से आपने ये बोलना है कि इस पानी से मेरा शरीर जो है रोज़ाना पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हो रहा है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं और भी स्वस्थ हो रहा हूँ या हो रही हूँ। सिर्फ इतनी सी अफर्मेशन आपने पानी को देनी है, सिर्फ इतना ही बोलना है, और इसे 21 बार रिपीट करें। उसके बाद इस पानी को पी लें। ये प्रोसेस हर समय करना है, जब भी आप पानी पिए। आप इसे 1-2 महीने करके देखें, आपको इसके चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। मैं यहाँ आपको पानी की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रही हूँ जो एक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई हैं। ये पूरा प्रोसेस जो यहाँ मैंने बताया है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मसारू इमोटो नाम के एक जैपनीज ऑथर हैं और फोटोग्राफर हैं जिन्होंने ये पिक्चर्स क्लिक की हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल पर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। उन्होंने ये तस्वीरें ली हैं जो हैरान करने वाली हैं कि हर पॉजिटिव अफर्मेशन से पानी की संरचना में किस तरह से बदलाव आ सकते हैं। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि पहली जो पिक्चर है वो पानी की पिक्चर, सिंपल पानी की पिक्चर है जिसको कोई अफर्मेशन नहीं दी गई,
और उसके बाद जो दूसरी पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक प्रेयर के बाद की पिक्चर है, यानी भगवान की कोई इसमें प्रेयर डाली गई है अफर्मेशन के साथ। तो इसके क्रिस्टल्स को आप देखिए कि इसकी संरचना कितनी खूबसूरत हो गई है। इस तरह से पानी की संरचना जब हम प्रेयर करते हैं या कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो पानी की संरचना बदल जाती है। इन नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए कि किस तरह से जब पानी को धन्यवाद दिया जाता है तो उसकी संरचना में चेंज आ जाता है। और उसके बाद उसके अगली पिक्चर में जब उसको मारने की कोई बात कही गई तो उसकी संरचना किस तरह से बदल गई है। इस तरह से हम पानी को अलग अलग अफर्मेशन देकर उसे एक मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी सभी बीमारियों का इलाज हो सके। तो ये एक थेरेपी की तरह हम इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी एक स्पेशल और मैजिकल रेमेडी जिसके द्वारा हम अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी छोटी सी रेमेडी से कुछ आराम आ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।